तो गाइस जुरासिक वर्ल्ड गेम के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और गाइस ये होने वाला है हमारा जुरासिक वर्ल्ड गेम का एपिसोड नंबर 13। तो भाई यार हमने पूरे 30 एपिसोड जुरासिक वर्ल्ड गेम के अपलोड कर दिए हैं और भाई अपने आप में ये एक अचीवमेंट है। तो गाइस यार अभी तुम लोग देख रहे हो कि भाई हमारे पास वेलोसिरैप्टर जनरेशन 2 आ चुका है, वो भी मैक्स लेवल का। तो भाई इसका मतलब तुम समझ रहे हो यार, हम लोग भाई इंडोमिनस रेक्स जनरेशन 2 बहुत ही जल्द बनाने वाले हैं। मे बी अगले एपिसोड में या फिर उसके अगले एपिसोड में हम लोग बना लेंगे। तो इसी बात पे एक बार सब्सक्राइब कर दो सारे। और भाई आज के इस एपिसोड में हम लोग क्या करने वाले हैं गाइस, आज के इस एपिसोड में हम लोग चार चार इवेंट्स को एक साथ कंप्लीट करने वाले हैं। और भाई तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई चार चार इवेंट्स को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारी बैटल्स लड़नी पड़ेंगी हमको, लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भाई सारे इवेंट्स के बैटल्स को कंप्लीट कर लिया है, बस एक एक बैटल लेना है और भाई हमको रिवॉर्ड कलेक्ट करना है। यहाँ पे भाई आज तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है गाइस। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो गाइस, हमने यहाँ पर हर एक इवेंट के दो दो या तीन तीन बैटल्स को कंप्लीट कर लिया है, बस फाइनल बैटल्स लड़नी है हमको और भाई यहाँ पे रिवॉर्ड कलेक्ट करने का काम करना है। तो गाइस यार मुझे ना अभी डर इस बात का लग रहा है कि भाई एक्वेटिक वेव जो है वो थोड़ा डेंजरस होता है, तो गाइस मैं पहले उसको फाइट करना चाहूँगा क्योंकि उसमें हमारे हारने के चांसेस भी थोड़े से ज़्यादा हैं। तो गाइस पहले हम इस इवेंट को कंप्लीट करेंगे एक्वेटिक वेव को, और भाई देखते हैं भाई अपने सबसे तगड़े वाले डायनासोर को लेकर के जाते हैं और भाई तबाही मचा देते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं अपना ये वाला डायनासोर, उसके बाद भाई सारे पावरफुल वाले डायनासोर ले लेंगे और भाई चलते हैं भाई सीधा बैटल के अंदर। तो गाइस 3 vs 9 की बैटल होने वाली है और भाई पहला डायनो तो 1 shot किल हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको एक फटकों में डाउन करते हैं। और भाई देखते हैं अगला डायनो थोड़ा वीक पड़ेगा हमारे अगेंस्ट में, और भाई ये भी हमारे 1 shot किल होने वाला है। तो गाइस उसके पास 2 point है, देखते हैं क्या करता है। भाई 2 attack कर दिए, भाई गलती कर दी यार इसने, इसको 1 shot में उड़ा देते हैं और भाई 1 point को होल्ड कर लेते हैं। तो गाइस इसका दूसरा डायनो भी यहाँ पे डाउन हो चुका है, भाई डार्कोसोरस आ चुका है इसका, 2 point है उसके पास और देखते हैं क्या करता है भाई वो। और भाई इसका डार्कोसोरस भी 1 shot किल है यार, कितने नल्लू नल्लू डायनासोर आए भाई। ओके इसने 2 shield लगाए थे भाई, मुझे लगा कि 1 point होल्ड करेगा भाई, लेकिन इसने ऐसा करा नहीं। और भाई 3 point है इसके पास जिसमें से 2 attack कर दिया इसने, और भाई अभी 2 point में मैं इसको ईजिली यहाँ पे डाउन कर दूंगा, 4 point होल्ड कर लेंगे। अगला डायनो क्रोनोसोरस है, देखते हैं क्या कर पाता है यहाँ पे। तो गाइस उसका क्रोनोसोरस आ चुका है, 4 point है उसके पास, डैमेज उतना ज़्यादा है नहीं तो वो अटैक नहीं करेगा, और भाई ये भी 1 shot किल है। तो गाइस यार इसके सारे डायनासोर 1 shot किल होने वाले हैं यहाँ पे, और सीधा 3 point में डाउन। भाई 2 ही शील्ड लगाते हैं ये लोग मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं लगाते। और भाई इसका डैमेज तो भाई हद से ज़्यादा 30 है, तो देखते हैं ये क्या करता है भाई। 6 में से 4 attack कर दिए इसने और मेरी HP डाउन कर दी, लेकिन भाई 8 point आ चुके हैं मेरे पास और मैं यहाँ पर 4 point में इसको इजीली डाउन कर दूंगा। तो गाइस इसका अभी आ जाता है भाई ये चैनसो जैसा इसका मुंह है भाई, पता नहीं कौन सा डायनो है, और मेरे पास भी ये वाला डायनो है वैसे, लेकिन अभी मैं यहाँ पर डायनो स्वाइप करता हूँ क्योंकि हमारा डायनो इसके अगेंस्ट में वीक है। और भाई 2 फटकों में डाउन होगा और 2 shield के लिए दे देते हैं और 3 point को होल्ड कर लेते हैं, लेकिन गाइस इसने 3 shield लगाई थी और भाई 5 point है इसके पास, और देखते हैं क्या करता है अभी यहाँ पे। और भाई 3 attack कर दिए, 2 point shield हो सकती है, बस 41 का डैमेज है तो कुछ फ़र्क पड़ा नहीं हमको, और 3 point में इजीली डाउन हो जाएगा। और इसका अगला डायनो आ जाता है भाई यहाँ पे, लिप्टोक्लेडस जो भी नाम है इसका। और भाई हमारे 2 डायनासोर्स ने भाई इसके 6 डायनासोर को यहाँ पे डाउन कर दिया है, जो कि यार काफ़ी अच्छी बात है। वैसे इसको डाउन करने के लिए 4 attack लगेंगे, 3 point होल्ड करूँगा, और इसका मोसासोर आ जाता है भाई जनरेशन 2 वाला। तो गाइस ये हमको चाहिए भाई मोसासोर, अपने पार्क में होना ही चाहिए एक मोसासोर भाई, सबसे पावरफुल डायनासोर होता है वाटर का। लेकिन इसने 5 attack करके मेरे 1 डायनो को डाउन कर दिया और अभी भाई इसके सिर्फ 2 ही डायनासोर बचे हैं। तो गाइस ये बैटल तो हम लोग बहुत ही इजीली जीतने वाले हैं यहाँ पे। तो अभी इसका फाइनल डायनो बचा है डार्कोसोरस, और इसका 3 350 का डैमेज है,
और काफ़ी अच्छा डैमेज है इसका। भाई डार्कोसोरस का डैमेज काफ़ी ज़्यादा जाता है लेकिन हेल्थ भी उतनी कम होती है। वैसे उसने ज़्यादा अटैक नहीं करे तो भाई 8 पॉइंट दे करके मैं इसको यहाँ पे इजीली डाउन कर दूँगा। और गाइस इसी के साथ ये वाली बैटल यहीं पे समाप्त होती है। तो भाई आज तो हम लोगों को सिर्फ यार एक एक बैटल लेनी है और रिवॉर्ड कलेक्ट करना है। तो गाइस इस इवेंट का हमको रिवॉर्ड दे दो जल्दी से, क्योंकि भाई यहाँ पे गोल्डन पैक मिलने वाला है हमको जिसमें काफ़ी अच्छे रिवॉर्ड होते हैं। तो देख लेते हैं क्या मिला है हमको यहाँ पे। तो इसको ओपन करते हैं और देखते हैं क्या मिला। भाई फूड दे रहे हैं ये लोग यार, छी भाई भाई ये भाई डेकोरेशन कौन देता है भाई। डीएनए कहाँ है भाई, डीएनए चाहिए था। छी भाई पूरा मूड ख़राब कर दिया इन लोगों ने। तो गाइस चलिए अगली बैटल लेते हैं भाई यहाँ पे, देखते हैं शायद उसमें कुछ अच्छा रिवॉर्ड मिल जाए हमको। तो अगली बैटल जो है मैं यहाँ पर भाई मोनोलोफोसोरस का जो बैटल है अर्थ सेटिंग वाला उसको लेने वाला हूँ। और भाई इसके अंदर हमको कार्निवोरस डायनासोर को हर्बीवोरस डायनासोर से हराना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं अपने नए वाले डायनासोर को ले लेता हूँ और उसके बाद हम यहाँ पे सेग्नो भाई सेग्नोसोरस और उसके बाद ओफियाको मीमस उसको ले लेते हैं और देखते हैं भाई क्या होता है। वैसे जीत तो जाएंगे भाई, उतने भी कुछ खास डायनासोर है नहीं इसके, वेलोसी रेप्टर है यहाँ पे। तो एक पॉइंट सील लगाते हैं और साउंड थोड़ा कम कर लेते हैं, भाई बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है यहाँ पे। ओके उसने एक अटैक कर दिया, एक पॉइंट है उसके पास, कुछ कर ना पाएगा। दो सील लगाते हैं यहाँ पे और एक पॉइंट सील लगाई थी उसने, दो पॉइंट बचे उसके पास। तो फिर से उसने एक अटैक किया और भाई यहाँ पे इस बार मैं 3 के 3 पॉइंट को यहाँ पे होल्ड कर लूँगा। और देखते हैं भाई एनिमी के पास 4 पॉइंट आ चुके हैं और 4 के 4 अटैक करेगा जहाँ तक मुझे लगता है। वैसे उसने 2 अटैक कर दिए भाई, 2 पॉइंट शील्ड है यहाँ पे और भाई मेरे डायनो का डैमेज भी काफ़ी कम है। तो भाई बैटल इधर उधर निकल रही है थोड़ी सी भाई, किसी तरह हैंडल करना पड़ेगा हमको। 4 पॉइंट होल्ड करते हैं, 3 पॉइंट का डैमेज देते हैं भाई। एक शील्ड लगाई थी, 2 का फटका पड़ा और आधी HP डाउन हो गई उसकी। और भाई उसके पास अभी 5 पॉइंट आ चुके हैं जिसमें से 4 पॉइंट देगा जहाँ तक मुझे लगता है, लेकिन उसने 5 पॉइंट दे दिए। तो गाइस बैटल थोड़ी सी संभलने लगी अभी, क्योंकि उसके पास अभी एक भी पॉइंट नहीं बचे और भाई मेरे पास मैक्स पूरे 8 पॉइंट आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पे 2 पॉइंट में डाउन करूँगा, 2 पॉइंट शील्ड पे लगाएंगे और भाई इसका पहला डायनो डाउन हो जाता है। भाई अगला डायनो आ जाता है इसका स्पाइनो रेप्टर, भाई ये हमारे पास था, हमने स्पाइनोटा सूचस बना दिया था इसका। वैसे 4 पॉइंट है, 2 अटैक कर इस भाई, 2 अटैक कर रहे हैं ये लोग। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं भाई, 4 फटकों में डाउन हो जाएगा, तो 4 फटकों में इसको इजीली यहाँ पे डाउन कर देते हैं। और भाई अगले वाले डायनो के लिए हम यहाँ पर 3 पॉइंट को शील्ड पे लगाएंगे और 2 फटके उसके झेल सकता हूँ तो ठीक है, हैंडल कर लेगा। और 1 पॉइंट होल्ड कर लेते हैं, वैसे उसने एक ही शील्ड लगाई थी, उसके पास अभी कितने पॉइंट हो जाते हैं कि उसके पास भाई 5 पॉइंट हो गया उसके पास। वैसे 5 के 5 अटैक मैं झेल सकता हूँ बड़े आराम से और उसने 3 ही अटैक करे। तो भाई ये वाली बैटल भी हम यहाँ पे जीत चुके हैं गाइस इसी के साथ। तो भाई 5 के 5 अटैक देते हैं इसके स्पाइनो रेप्टर को डाउन करते हैं। और भाई अपना रिवॉर्ड जो कि भाई हमको यहाँ पे मोनोलोफोसोरस का पैक मिलने वाला है भाई, वो दे दो जल्दी से। और उसके अंदर आई थिंक हमको DNA मिलेगा जिसका मुझे इंतज़ार था भाई। भाई 500 DNA मिला भाई, 100 ग्रीन मनी भाई, ऐसा रिवॉर्ड होना चाहिए यार। वो लोग तो भाई फूड दे रहे भाई। और भाई यहाँ पे DNA भी अनलॉक हो चुका है। तो गाइस यार रिवॉर्ड हमको काफ़ी अच्छा मिला। और अभी अगली बैटल में आ जाओ गाइस जल्दी से, भाई बताओ कौन से डायनासोर लेकर के जाऊँ यहाँ पे मैं। ओके भाई इस बार थोड़ी सी टफ होने वाली है बैटल। तो इसके फ्लायर को मैं अपने हर्बीवोरस से हटाऊंगा, यहाँ पे एप्टोसोरस ले लेते हैं गाइस, काफ़ी ज़्यादा हेल्थ है इसकी। और उसके बाद ओके तो उसके बाद क्या ले यहाँ पे, मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि भाई डिप्लोसूचस ले लेते हैं, क्योंकि भाई पता नहीं हर्बीवोरस आएगा या फिर वाटर वाला आएगा। तो गाइस यहाँ पे डिप्लोसूचस परफेक्ट रहेगा। और गाइस फाइनल में अपना हम यहाँ पे सुपर हाइब्रिड जो कि मोनोलोफोसोरस होने वाला है भाई, उसको ले लेते हैं, सबकी बैंड बजा देगा यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं भाई क्या होता है बैटल के अंदर। ओके गाइस तो यहाँ पे उसका फ्लायर आ चुका है भाई और इसके भाई 600 का डैमेज पड़ रहा है भाई। तो डायनोसोइक होगा यहाँ पे। ओके भाई इसका
सेग्नोस ऊंचा आ चुका है और दो पॉइंट शील्ड लगाते हैं, एक पॉइंट होल्ड करते हैं। भाई बैटल थोड़ी सी टफ हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, जीतने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। भाई दो अटैक दे दिए इसने और अभी उसके पास एक भी अटैक नहीं बचा। मैं यहाँ पे चार पॉइंट होल्ड करता हूँ और वेट करते हैं भाई उसके अटैक करने का। तो गाइस उसने अटैक नहीं करा, मैं यहाँ पे चार होल्ड और चार अटैक करता हूँ और देखते हैं भाई क्या होता है। तो गाइस एक शील्ड लगाई थी, मतलब कितने भाई दो पॉइंट, आई थिंक छः पॉइंट टोटल हो चुके हैं गाइस। दो पॉइंट होल्ड करी थी और इस बार अटैक करेगा छः के छः पॉइंट ये। और भाई हमारा एप्टोसोरस यहाँ पे डाउन हो जाता है और आ जाता है भाई डिप्लोसूचस, जो कि भाई आई थिंक तीन अटैक में डाउन कर सकता है इसको। नहीं गाइस तीन अटैक में नहीं भाई, 100 और डैमेज बढ़ जाता तो हो जाता काम, लेकिन हमको चार पॉइंट देने पड़ेंगे। और भाई इसका फ्लायर जो आने वाला है ना गाइस, उसका काफ़ी ज़्यादा डैमेज होने वाला है। तो गाइस देख लो भाई 2000 का यहाँ पे डैमेज जा रहा है उसके फ्लायर का। भाई वन शॉट किल करेगा यहाँ पे, तीन अटैक देगा जहाँ तक मुझे लगता है। हाँ गाइस उसने तीन अटैक दे दिए और भाई डायनो यहाँ पे डाउन हो जाता है हमारा, हमारा सुपर हाइब्रिड मोनो आ जाता है यहाँ पे। और भाई दो फटकों में डाउन करेगा, एक एक्स्ट्रा पॉइंट देंगे क्योंकि भाई शील्ड भी हो सकती है। और भाई तीन पॉइंट को हम यहाँ पे शील्ड पे रखेंगे, 800 का डैमेज है, कुछ ना कर पाएगा। तो इसी के साथ इसका फ्लायर यहाँ पे डाउन होता है और भाई इसका फाइनल डायनो आ जाता है ड्रैकोरेक्स, जिसके पास चार ही पॉइंट है। तो यार ये तो कुछ ना कर पाएगा और इसमें अटैक नहीं करा, लेकिन गाइस मैं यहाँ पर 6 के 6 अटैक ज़रूर दूंगा इसको। और भाई इसका फ्लायर, इसका जो हर्बीवोरस डायनासोर है वो यहाँ पे डाउन हो चुका है। और भाई इसी के साथ हम ये बैटल जीत चुके हैं। तो गाइस इस बार देखते हैं क्या मिलता है गाइस हमको यहाँ पे। भाई 1000 JW पॉइंट दे देना, काम हो जाएगा हमारा। भाई 500 चिपका देते हैं ये लोग, यार बहुत ही ज़्यादा गुस्सा लगता है भाई, बैटल्स काफ़ी ज़्यादा डेंजर आती है और भाई रिवॉर्ड अच्छा नहीं मिलता हमको। चलिए गाइस 850 मिला हमको, तो ये भी ठीक ठाक है, काम चल जाएगा। भाई अगली बैटल बताओ तुम लोग जल्दी से, खाली रिवॉर्ड कलेक्ट करना है हमको आज। तो अगली बैटल देखते हैं भाई, दो दो कार्निवोरस डायनासोर आए हैं, बैटल थोड़ी इजी हो सकती है। मास्टोडोन को लेते हैं यहाँ पे और उसके बाद एक फ्लायर ले लेंगे जो इसके वाटर वाले डायनो को उड़ा देगा इजीली। तो भाई पीटी ले लेते हैं और भाई सबसे पावरफुल वाटर वाला डायनो हमारा ओस्टापोसोरस, और बैटल स्टार्ट करते हैं गाइस, देखते हैं क्या होता है। ओके तो उसका कार्निवोरस आ चुका है यहाँ पे और भाई एक पॉइंट को मैं यहाँ पे होल्ड करता हूँ और यहाँ पे डायनो स्वाइप होगा क्योंकि उसका कार्निवोरस वीक पड़ रहा है यहाँ पे। तो भाई उसने डायनो स्वाइप करा और भाई 1200 का डैमेज, भाई दो पॉइंट से बच जाऊँगा मैं अगर ये अटैक करता है तो। वैसे उसने अटैक नहीं करा, दो शील्ड लगाते हैं, एक पॉइंट होल्ड करते हैं, तीन पॉइंट आ चुके हैं एनिमी के पास और आई थिंक तीन के तीन अटैक नहीं करे उसने। तो यार ये कुछ अलग कर रहा भाई, फिर से चार पॉइंट होल्ड करते हैं, देखते हैं क्या करता है। तो भाई दो पॉइंट बचा लिए, पाँच पॉइंट हो चुके हैं उसके पास, चार अटैक करेगा जहाँ तक मुझे लगता है। हाँ गाइस उसने चार अटैक किए हैं भाई, एक पॉइंट शील्ड भी हो सकती है, तो हमको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट देना पड़ेगा। बाकी भाई तीन फटकों में डाउन हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा पॉइंट देते हैं, चार पॉइंट देते हैं इसको, चार पॉइंट होल्ड कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो उसने सील लगाई थी और अभी उसका कार्निवोरस भाई बेरियोनिक्स आ जाता है 28 लेवल का और भाई 1000 का डैमेज है इसका, चार पॉइंट है इसके पास, दो पॉइंट फटकों में डाउन कर सकता है, मतलब चार अटैक देगा। और हमारा पीटी यहाँ पे डाउन हो जाता है, लेकिन हमारा ओस्टापोसोरस आ जाता है भाई, काफ़ी ज़्यादा डैमेज है इसका, भाई 1300 का डैमेज जा रहा है। तो ये वाली बैटल भी हम यहाँ पे समझ लो कि जीत ही चुके हैं क्योंकि भाई दो पटकों में डाउन करूँगा, दो तीन यहाँ पे लगा देते हैं भाई, चलिए शील्ड पे, और भाई तीन होल्ड कर लेते हैं। अगला डायनो 400 का डैमेज भाई और चार पॉइंट है उसके पास, देखते हैं क्या करता है। वैसे कुछ करे ना करे भाई, मैं यहाँ पे 7 के 7 पॉइंट अटैक दे करके भाई इसके फाइनल डायनो को भी यहाँ पे डाउन कर दूँगा ईजीली। और भाई इसी के साथ भाई हमारा ओस्टापोसोरस भाई इसके मुँह को भाई पंजों से छील दिया इसने और भाई हमारी ये बैटल भी कंप्लीट हो चुकी है भाई।
रिवॉर्ड में हमको मिलने वाला एक लेजेंडरी डायनो, तो भाई टीरेक्स दे देते ये लोग तो यार काफ़ी अच्छा होता, क्योंकि हमें थोड़ी सी ज़रूरत है टीरेक्स की अभी। तो देखते हैं भाई, वैसे ये गोल्डन पैक भी मिल जाएगा तो काम चल जाएगा हमारा। भाई ये लोग तो यार हर बार ओफिया को भाई यूनेसोरस भाई दे देते हैं, हर बार ये लोग दे रहे हैं भाई। जब भी रेयरिटी रंबल आता है भाई, हर बार यूनेसोरस मिलता है हमको। तो गाइस इसी के साथ भाई हमने यहाँ पे चार चार कंप्लीट कर लिए भाई बैटल्स इवेंट्स यहाँ पे, और भाई हमको ढेर सारा भाई सुपर डीएनए भी मिला। और गाइस 1000 हमारा सुपर डीएनए कलेक्ट हो चुका है, तो अगला सुपर हाइब्रिड भी हम लोग जल्दी से खरीदेंगे अगले अगले एपिसोड में मे बी। तो इसी के साथ भाई ये बैटल यहीं पे समाप्त होती है और ये एपिसोड भी यहीं पे समाप्त होता है। तो यार एपिसोड पसंद आया होगा तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले एपिसोड में जुरासिक वर्ल्ड डी गेम के।